हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू वीडियो तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पे बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे तो so गाइज़ आज मेरे सामने खड़ी है मेरी खुद की गाड़ी ब्रेज़ा बेस मॉडल 2021 मॉडल तो गाइज़ आज मैं गाड़ी का पूरा रिव्यू दूंगा चैनल में मेरी पहले वीडियोस जो आती थी वो किसी कारण मैंने बंद कर दिए हैं अब मेरी जो चैनल पर वीडियोस आएंगी वो कार से रिलेटेड ही वीडियो आएंगी तो गाइज़ वीडियो में एंड तक बने रहे और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियोस को लाइक कर दे और वाइज कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट कर दें तो वाइज सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी की की गाड़ी की की देख सकते हो ब्रेजा बेस मॉडल में सबसे बढ़िया बात है जो हमें मिलती है सेंटर लॉकिंग सेंटर लॉकिंग भाई अब कंपनी देने लगी है ये देखो वाइज और उसके बाद ये आ जाता है हमारा फ्रंट लुक गाड़ी का फ्रंट लुक में हमें क्या क्या मिल जाता है फ्रंट लुक में मिल जाती है हमें एक चमचमाती बढ़िया सी यहाँ पर आ जाती है हमारी ग्रिल ग्रिल के बाद अगर हम लाइटिंग की बात करते हैं तो लाइट लाइटिंग में हमें मिल जाते हैं प्रोजेक्टर जिनमें है वाइट लेप्स ये हमारे खाली व्हाइट लेम्प्स है और उसके बाद हमें यहाँ मिल जाती है हाफ डी आर एल उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ नीचे से जो मैंने गाड़ी में ये मेरे कंपनी से करवाया थे कंपनी नहीं दी थी इसमें एक्स्ट्रा एक्स सीरीज में लगवाना पड़ता है और साइड में हमें मिल जाते हैं इंडिकेटर्स के लिए क्यूब्स काफी बढ़िया बात है ये इससे ऊपर वाले में ये क्यूब्स नहीं आते हैं उसमें तो गाइज आप देख सकते हो प्रोजेक्टर मिल जाते हैं इसमें एच वाले प्रोडक्ट प्रोजेक्टर मिल जाते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी की साइड प्रोफाइल लुक ये गाइज गाड़ी की है साइड प्रोफाइल लुक और टायर की बात करते हैं तो गाइज मैंने अलाईवील फिट करवा रखे हैं बाहर से जो कि है टायर की प्रोफाइल दिखा देता हूँ मैं आपको दो सौ पांच साठ सोलह सोलह इंची के मेरे अलाईवील है न्यू व्हील्स के अलाईवील है मेरे इस तरीके साइड प्रोफाइल रुका जाती है जिसमें कि मैंने कंपनी से जो काम करवाया था इस साइड में मैंने क्रोम मैंने लगवाई है और यार में और गाइस इन क्रोम के बाद मिल जाते हैं हमें यहाँ साइड में मिल जाते हैं डोर वाइजर इधर भी डोर वाइजर है उधर भी डोर वाइजर है ये भी हमें कंपनी से नहीं मिलते है ये भी हमें लगवाने पड़ते हैं और बाकी आप अलाई व्हील तो देख ही सकते हो गाइस सोलह इंची के हमारे हो जाते हैं अलाई व्हील्स के बाद यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये भी मैंने कंपनी से लगवाई है ये भी ये गाड़ी के अंदर नहीं मिलती है ये अलग से एक्सेरीज में लगवानी पड़ती है और इंडिकेटर्स मिल जाते हैं आपको मिरर में और उसके बाद बात करते हैं हम आप दिखाते हैं हम आपको बैक लुक इसका तो so भाई कुछ इस तरह हो जाता है हमारी गाड़ी का बैक लुक बैक लुक में हमें कंपनी से सबसे जो ज्यादा बढ़िया लगती है ये हैं इसकी टेल लाइट्स टेल लाइट्स का कंपनी ने काफी ज्यादा यूनिक और मॉडिफाई करी है पीछे मिल जाती है हमें यहाँ पार्किंग लाइट्स मिल जाती हैं इंडिकेटर लाइट्स मिल जाती हैं और उसके बाद सबसे बढ़िया बात है जो कि मिलता है हमें स्पॉयलर स्पॉयलर मिलने के बाद यहाँ पर एक चमचमाती क्रोम की आ जाती है जिसपे लिखा हुआ है विटारा ब्रेजा और पीछे का मैं आपको दिखाता हूँ ये भी मैंने कंपनी से नहीं मिलती हैं ये एक सीरीज में लगवानी पड़ती हैं कुछ इस तरीके से आ जाता है गाड़ी का बैक प्रोफाइल लुक और अंदर का पूरा इंटीरियर दिखाऊंगा मैं आपको अंदर मैंने क्या काम करवा रखा है और कंपनी से मुझे मिलता क्या है ऊपर बढ़िया सा मिल जाता है आपको एक एंटीना ये है गाड़ी का कुछ इस तरीके से साइड और बैक प्रोफाइल लुक तो चलो करते हैं गाड़ी को ओपन और अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ मैं सबसे पहले सबसे पहले जब हम गाड़ी ओपन करते हैं तो गाड़ी ओपन करने के बाद साइड में हमें मिल जाते हैं ये डोर डोर आ जाता जाता है 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 में हमें हैंडल मिल जाता है और सबसे बढ़िया बात क्या है? चारों पावर विंडो है ये ऑन ऑफ बटन है और उसके बाद यहां में हम मिल जाते हैं दो ट्विटर है। चारों में मिल जाते हैं हमें स्पीकर yeah. और अंदर हम जब बैठते हैं यहाँ आ जाते हैं हमारे सेवन डी अंदर जब हम बैठते हैं गाड़ी की लगाते हैं चाबी तो चलो बस करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और दिखाता हूं मैं आपको कुछ इस तरीके से गाड़ी का लुक गाड़ी का लुक आप देख सकते हो की यहाँ में मिल जाती है लाइट्स लाइट्स में जो ये देखो एस ये आ जाता है हमारा यहाँ पर स्पीकर स्टूडियो तो बस यहाँ पर मिलता है हमें दस इंची का एलईडी डिस्प्ले जो कि मैंने कंपनी से नहीं लगवाया ये मैंने बाहर से फिट करवा रखा है उसके बाद हमें कुछ उसके बाद मिल जाते हैं हमें ए के, के कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पर ऑक्स मिल जाता है और यहाँ पर हमें चार्जिंग पोर्टेबल मिल जाता है और अगर आप स्पेस की बात करते हो स्पेस काफी बढ़िया है इसमें मैं दिखाता हूँ आपको बढ़िया काफी स्पेस है इसमें इतना अंदर पीछे की बात कर तो पीछे का आप देख सकते हो पीछे भी काफी स्पेस है बस कंपनी इसमें एक फुटरेस्ट नहीं देती है पीछे आपको आगे फ्रंट पे दोनों पे मिलते हैं लेकिन पीछे नहीं मिलते हैं पीछे काफी खा, खाली सीट देते हैं और इसकी एक खासियत और मैं बताऊंगा आपको जो कि मैंने अपनी गाड़ी में काम करवा रखा है वो मैं दिखाता हूँ आपको बाहर से यहाँ पर दोनों में एयर बैग्स मिल जाते हैं साइड में बढ़िया क्रोम की ग्रिल सी आ जाती है यहाँ पर फिनिशिंग आ जाती है सेवनटी मैट हो गए सीट कवर्स आ जाते हैं बढ़िया और ऊपर से ये लाइट मैंने करवा रखी है चेंज चेंजा यहाँ नहीं देती लाइट लाइट देती है वो यहाँ पर और मीटर की बात करें तो मीटर आप देख सकते हो कि जो इससे ऊपर का मॉडल बेस ये बेस मॉडल है ऊपर का जो वेरिएंट होता है उसमें आपको जो लाइट्स मिल जाती हैं वो थोड़ी अलग चेंजिंग वाली मिलती है लेकिन भाई ये चेंजिंग वाली नहीं है इसमें वाइट लाइट्स चलती हैं और आप दिखाता हूँ मैं आपको जो ए की हुआ है इसमें भी एल के सी क्रोमिंग आ रखी है ये देखो गाइज यहाँ से हम आपको माइलेज दे सकते देख सकते हैं यहाँ से माइलेज वाइलेज सब कुछ दिखता है ये देखो गाइज ये एवरेज ये जो अभी मेरे को गाड़ी एवरेज दे रही है वो ग्यारह पॉइंट की एवरेज दे रही है पेट्रोल विथ ए सी गाइज कुछ इस तरीके से चलते हमारे फॉक लैम्प जो कि फुल्ली प्रोजेक्टर है और गाइज ये गाड़ी पेट्रोल प्लस सी है जी हाँ गाइज पेट्रोल प्लस सी है मैंने अपनी गाड़ी में सी फिट करवा रखी है पीछे का बूट स्पेस दिखाऊंगा और सी में भाई जो माइलेज देती है ना मेरे को क्या माइलेज देती है गाड़ी भाई गजब माइलेज देती है पेट्रोल अभी 11 की एवरेज दिखा रही है मतलब हाईवे पे मेरे को दे देती है सोलह सत्रह की और सी में जो मेरे को एवरेज मिल रही है अभी सी में मेरे को जो मिल रही है एवरेज वो मिल रही है बीस से बाईस की एवरेज मिल रही है ये जो ट्रे देख रहे हो ये ट्रे भी कंपनी नहीं देती है एक फ्रीज में लगवानी पड़ती है और ये जो बूट स्पेस की बात करता तो बूट स्पेस काफी बढ़िया है लेकिन सी फिट करवाने के बाद जो मेरा बूट स्पेस है वो थोड़ा कम हो गया है लेकिन भाई जो गाड़ी एवरेज के बारे में बात करें तो भाई सी के बाद जो गाड़ी एवरेज देती है वो गजब एवरेज देती है साउंड जो कि कंपनी फ्रीडम हमें गाड़ी मिलती है आप देख सकते हो और क्या लोगे बेस मॉडल ब्रेजा 2021 मॉडल कंपनी इतनी बढ़िया चीज़ें दे रही है आपको और क्या चाहिए और गाइस सी लगवाने के बाद तो भाई गाड़ी का मजा ही अलग है पिकअप की बात करें तो गाइस पिकअप में मुझे अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है पिकअप गाड़ी का बढ़िया है जो कि पेट्रोल में देती है पिकअप मेरे को अभी गाड़ी का बढ़िया लग रहा है अगर और देख सकते हो कि भाई गाड़ी पसंद आई हो तो गाइस गाड़ी के लिए भी एक लाइक बनता है गाइस बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी लेकिन क्या इस वीडियो रेगुलर आएंगे, टेम टेम आएंगी टाइम टू टाइम आएंगी बस कोई वजह है वो जो वीडियो मैंने जो अपना वो है वो चेंज कर दिया है कार से रिलेटेड ही सारी वीडियो आएंगी मेरी खुद की गाड़ी है पूरा गाड़ी का मैंने रिव्यू दिया है और क्या इस वीडियो को देखना आप और बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और क्या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तब तक के लिए मिलते हैं आपसे ऐसी एक नई कार के साथ और एक नए दिन के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय मिलते हैं आपसे